आई थिंक उसका ज़्यादा खुशी है। जॉस भाई को देखता हूँ मैं तो, जब रन नहीं होते तो थोड़ा उदास हो जाता था। रियली हैप्पी फॉर जॉस भाई एंड फॉर संजू भैया। सो आई थिंक अच्छा लग रहा सर। अच्छा गुड बाय रियान, दिस इज बजीव, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया खेल रहे हो इस साल। मैंने कई बार आपकी क्रिटिसिज्म भी किया है, पर क्रिटिसिज्म बड़े भाई करते हैं तो वो सही इसलिए करते हैं कि आपको बेटर होते हुए देखे हैं, और अब तुम इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दुआ करता हूँ कि जल्दी से आप ना भारतीय कपड़ों में देखो, भारतीय के लिए वर्ल्ड कप खेलते हो T20, ये तो मेरी दुआ है आपके लिए। पर दूसरी बात ये जो मैं पूछना चाहूँगा, आज इतना बढ़िया खेल रहे थे, वो जब पार्टनरशिप ऐसा एक टाइम पे लग रहा था कि थोड़ी देर और खेलते तो मैच शायद जल्दी खत्म हो सकता था, रियान पराग अंदर रहता तो ये मैच शायद 18 ओवर में खत्म हो सकता था। सर टू बी ऑनेस्ट, हाँ मैं भी वही सोच रहा था कि हर्षित को इसीलिए मारा क्योंकि वो एक बड़ा ओवर ले रहा था, नारायण का बॉल टर्न हुआ तो हमें उधर रिस्क नहीं लेना था। बट आई थिंक अगर प्लान के हिसाब से जाता तो हम एक दो ओवर पहले ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि लास्ट में हमने इतनी अच्छी बॉलिंग डाली और 10-15 रन मुझे लग रहे कि वो शॉर्ट हो गए थे जिस हिसाब का स्टार्ट उन्हें मिला था। तो हाँ आई थिंक होपफुली नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ऐसा सीनारी होगा तो ख़त्म करके आऊँगा। बिल्कुल वही उम्मीद है आपसे। हाय रियान, मैं अंपटी रायडू बात कर रहा हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हो ये साल। और आप ये मत सोचिए कि सामने नारायण आ रहा है, आप किसी को भी मार सकते हैं जैसे खेल रहे हो, और ये डाउट मत लगाइए आप। और मेरा सवाल ये है कि ये सीज़न आपका बैटिंग में जो पॉजिटिविटी दिख रहा है, जो कंपोजर दिख रहा है, उसके लिए आपने कुछ स्पेशल वर्क किए हैं या क्या चेंजेस लाए ये सीज़न? सो आई थिंक जितना हो सके सिंपल रख रहा हूँ। पहले क्या होता था कि अगर रन नहीं बनते थे या फिर परफॉर्मेंसेस मेरे हिसाब से नहीं जाते थे, ज़्यादा सोचने बैठ जाता था। मैंने देखा कि डोमेस्टिक में जब ऐसे मेरे साथ होते हैं फेजेस तो मैं इतना सोचता नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे क्यों रेप्लीकेट नहीं किया जाए। तो आई थिंक मोस्टली मैं ज़्यादा सिंपल रख रहा हूँ। 4 नंबर बैटिंग करने को मिला, वो मेरा फेवरेट पोजिशन भी है और मेरा फोर्टी भी है, तो आई थिंक उससे थोड़ा हेल्प हो रहा है। एंड बेसिकली सर खुद पर थोड़ा बिलीव रख रहा हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलर हो, कर दूंगा एंड होपफुली वो थोड़ा थोड़ा शो हो रहा है। हाँ ब्रिलियंट है रेन, और भाजपा जो बोले उससे थोड़ा मैं ऐड करूँगा, सिर्फ यही फॉर्मेट नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि आप हर फॉर्मेट में इंडिया के लिए खेले और बहुत अच्छा करें इंडिया के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये बेस्ट विशेस हम सबकी तरफ से रियान आपके लिए। मिताली राज भी हमारे साथ, उनके पास भी एक सवाल है आपके लिए। हाँ जी, हाय रियान, पहली बात है कि कंग्रेचुलेशंस जीत के लिए। और मेरा सवाल ये है कि जो लास्ट ओवर जब बॉलिंग हो रही थी तो क्या इमोशंस थे प्लेयर्स का, क्या बातचीत हो रही थी अगर आपस में आपके और दूसरे प्लेयर्स के बीच? मैं ऐश भाई और कुलदीप अंदर ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, तो हम यही प्लान कर रहे थे कि टाइम हम देख रहे थे कि 5 फील्डर आगे आने वाले हैं, और हम बस यही हम तो सोच रहे थे कि जॉस भाई सिंगल ले लेंगे उस बॉल पे, पर आई थिंक इट वर्क आउट वेरी वेल। मेरा इमोशंस वर वेरी हाई, इट्स हार्ड कि आप बाहर से ज़्यादा हार्ड लगता है, मैं अभी स्पेक्टेटर्स का समझ सकता हूँ, माय मॉम इज आल्सो हियर, उनको भी मैं अभी समझ रहा हूँ कि बाहर से देख के कैसा लगता है। तो आई थिंक जस्ट क्रेडिट टू जॉस भाई, जैसे उन्होंने खेला, जैसे उन्होंने फिनिश किया टेल को लेके, आई थिंक इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। चलिए आपको बहुत देर रखेंगे नहीं, बच्ची बोल रहा हूँ दोबारा, मेरी तरफ से ना एक जॉस बटलर को जफ्फी दे देना और बहुत बड़ी पप्पी दे देना, अगले मैच में शतक आपके बल्ले से भी आ जाए तो मजा आ जाएगा, सोने से सुहागा। वेल डन सर, जॉस भाई थोड़ा इंजर्ड भी थे इसलिए वो फील्डिंग नहीं कर रहे थे, तो उनको ऐसे एक मैच रेस्ट लेके ऐसे आना, और ऐसे इट्स वेरी ह्यूमिड है तो पूरा इनिंग ऐसे लेके जाना, तो उनको एक टायर्डनेस का लेवल भी था क्योंकि ही वाज फीलिंग द बेस्ट, एंड देन आके तो मतलब कमाल ही कर दिया। और टीम फ्रॉम असम, कोलकाता के साथ थोड़ा राइवल भी तो रहता ही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मैंने इनको बोला कि मैं मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं अंदर चले जाता हूँ, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे खुशियां बांटते हुए आप और पूरी राजस्थान रॉयल्स की टीम, मेरी मेरी कंग्रेचुलेशन आप शाम के लिए। आज जब इतनी सारी राइवलरीज, इतनी सारी जीत की खुशियां हैं, उनको मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। वी विल स्पीक टू यू सून। थैंक यू सो मच रियान। थैंक यू सो मच। थैंक यू।